मुझे एक एड शूट मिला था धोनी के साथ, वो करेगा कॉल, मैं लीड करूंगी, मैं ये करूंगी। इस जोन में जब जिस दिन मैं गई, एक था राजा एक थी रानी टीवी शो, सो वो मेरा कंटिन्यूटी का था। उन्होंने कहा था 2 मंथ्स का होगा, बट उन्हें मेरा कैरेक्टर इतना अच्छा लगा कि उन्होंने टाइम पे खा लेना, और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी, और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई, LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो, LIC। विकी से मेजर विहान, कभी कमली तो कभी सरदार उधम बनना पड़ता है। आई बिलीव इन प्रेपरेशन, सो शुड यू। फ्लोर साफ है ना? ऐसे फ्लोर क्लीनर का क्या फायदा अगर मक्खियां वापस आ जाएं? पेश है मैक्स क्लीन 2-in-1 इंसेक्ट रिपेलेंट फ्लोर। हेलो एवरीवन, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैम आप थोड़ा बताइए अपने स्ट्रगल के बारे में, कैसे आपने शुरुआत की अपनी लाइफ में, कैसे मतलब मुंबई आना हुआ, देहरादून से यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा आपका? मतलब मैं अपनी पूरी एजुकेशन कंप्लीट करके आई थी, मैं मैकेनिकल इंजीनियर भी हूँ साथ में। फिर बचपन से था मुझे एक्टर बनने का, सो घर वालों को पता था वो एक दिन जाएगी, सो देवर मेंटली प्रिपेयर थे वो कि ये एक दिन जाना है उसे। देन इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने अपनी फैमिली को बोला कि मुझे जाना है, दे आर लाइक नहीं जॉब कर लो फिर चली जाना। आई एम लाइक ठीक है, मेरी जॉब भी लग गई। फिर मुझे लगा कि शायद अगर मैंने अभी नहीं स्टैंड लिया तो शायद मैं नहीं कर पाऊँगी। देन फिर घर वालों को बोला नहीं मुझे जॉब नहीं करनी है, मुझे जाना ही है बॉम्बे। देन घर वालों ने कहा ठीक है जाओ। फिर बॉम्बे आई, फर्स्ट टाइम मैं अपने घर से बाहर निकली थी, काइंड ऑफ मैं कभी घर से बाहर नहीं गई हूँ, हमेशा फैमिली पर डिपेंडेंट रही हूँ। कहीं भी जाना मेरी फैमिली मुझे लेके जाती है, फैमिली रखती है, तो बहुत मुश्किल था स्टार्टिंग में, बट मैंने बहुत इन्जॉय किया, बहुत इन्जॉय किया। पर मैं सिर्फ घर वालों से 3 मंथ्स लेकर आई थी कि मैं जाऊँगी, 3 मंथ्स में मुझे काम मिलेगा और मैं फटाफट आ जाऊँगी। तो मुझे बहुत, ये सबको पता होगा कि जब हम घर से निकलते तो हम सबको लगता है अरे बस अभी जाना है, ऑडिशन देंगे और नेक्स्ट डे तो हम शाहरुख खान या दीपिका तो बनने ही वाले हैं। बट यहाँ के पता चलता है रियलिटी। मतलब आपको एक साल लग जाता है सिर्फ समझने में कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कैसे बात करना है। सो फॉर्चुनेटली मुझे एक्चुअली 10 डेज में मुझे एक एड शूट मिला था धोनी के साथ एंड प्रभुदेवा के साथ, एक एड शूट था। आई वॉज लाइक ब्रो मैं स्टार बन गई, मुझे 10 दिन में काम मिल गया। देन जब मैं गई तो बहुत सारे लड़के और बहुत सारी लड़कियाँ थी, मतलब 10 लड़के 10 लड़कियाँ थी। सो काइंड ऑफ ये था कि वो हमारे उसमें आते हैं शोरूम में, ठीक है, एंड कुछ धोनी के साथ भी एंटर करेंगे, काइंड ऑफ ऐसा था। तो आप चूज़ कर सकते हो, बट मुझे नहीं पता कि कैमरा किधर है, DOP क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता। आई एम लाइक ठीक है, जैसे उन्होंने बोला मैं तैयार हो गई। कुछ लड़कियों ने पोज किया, नहीं नहीं हम इस वाले कैरेक्टर को करेंगे। आई एम लाइक अच्छा ऐसा भी होता है, मैं करने दो। देन आई रियलाइज्ड कि वो धोनी के साथ एंटर हो रही हैं, तो फुल फ्रेम धोनी पे है, आप दिखोगे राइट, और मैं वहाँ पे साइड में कि हाँ मैं भी दिखूँगी। जब मैंने ऐड देखा, ऐड में मेरा बस हाथ था। सो मेरे घर वाले पूछ रहे कहाँ है तू, हमने वो हाँ देखो घड़ी मेरी है। सो वाह क्या तुमने किया है। सो फिर ये चीज़ें बहुत कुछ लगा कि यार कितना कुछ है सीखने के लिए, हमें पता ही नहीं है कि कैमरा किधर देखना है, कहाँ जाना है। देन 9 मंथ्स, हाँ फिर मेरे घर वालों ने कहा कि तुम्हें 3 मंथ से ज़्यादा हम 8 मंथ्स दे चुके हैं, नाउ घर आ जाओ, हो गया अभी। आई एम लाइक ओके, सो आई वॉज प्रिपेयरिंग कि अभी घर जाना है। देन लकली मुझे एक शो मिल गया, एक था राजा एक थी रानी टीवी शो, सो वो मेरा कंटिन्यूटी का था। उन्होंने कहा था 2 मंथ्स का होगा, बट उन्हें मेरा कैरेक्टर इतना अच्छा लगा कि उन्होंने 6 मंथ एक्सटेंड कर दिया। टीवी में ऐसा होता है वैसे। फिर 6 मंथ्स वो किए, देन घर वालों को लगा चलो अब थोड़ी सी सेटल हो गई है। देन अगेन मुझे 2 महीने बाद एक और शो मिल गया, बट सीख इतना वो होता था ना मुझे, आपको अपनी वैल्यू नहीं पता होती है राइट। तो मुझे एक देहरादून से एक शूट आया कि एक ज्वेलरी ब्रांड है उनका शूट करना है,
आई वॉज लाइक वाओ, मुझे ब्रांड एम्बेसडर बना रहे. तो उन्होंने बोला कि मैम आपकी मतलब बजट वजट तो बहुत ज़्यादा होगा, तो हम सोच रहे बॉम्बे आके शूट कर ले कि आपकी फिर फ्लाई बिजनेस क्लास एंड यू नो होटल ये वो. आई एम लाइक अच्छा ऐसा हो रहा है, इतना सोच रहे हो. एंड मैं देहरादून की ही हूँ, तो मैं उसको बोलती हूँ कि नहीं नहीं होटल वटल का मत करो, वो मेरा घर है वहाँ पे और फ्लाइट हाँ ठीक है. उसके बाद उससे पूछा आप मतलब कितना चार्ज करोगे. यू डोंट इमेजिन मैंने कितना बोला. वो कहाँ मुझे ब्रांड एम्बेसडर की बातें कर रहा है और कहाँ मैं अपनी वैल्यू बता रही हूँ कि आई विल चार्ज 15,000. तो लाइक हैं 15,000, अच्छा अच्छा हम बस अभी आपको कॉल करते हैं. लाइक ओके. फिर उनका कॉल आया कि नहीं नहीं हम देहरादून में ही शूट करते, क्योंकि 15,000 क्या है, कहाँ वो 1,00,000 सोच रहे होंगे, 2,00,000 सोच रहे होंगे. देन फिर मैंने बोला कि अच्छा, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने बहुत कम बजट बोला. फिर मैंने उनको बोला कि नहीं मैं देहरादून आने के 25,000 लूँगी. और दो मैं अभी एक और शो मेरा फाइनल हो चुका है, मैं उसमें भी काम करने वाली हूँ. मेरा शूट स्टार्ट होने वाला था जस्ट 1 month पहले की बात है. फिर मैं गई 25,000 में शूट किया, वहाँ पूरे देहरादून में बैनर्स लगे. फिर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि सबने मुझे बोला कि तुम्हें पैसे मांगने नहीं आते. आई एम लाइक अच्छा, बिकॉज आपको अपनी वर्थ नहीं पता होती कि आप क्या कर रहे हो. बिकॉज उस टाइम पे आप ज़्यादा कोट कर सकते हो, बाहर वालों के लिए आप बहुत बड़े स्टार हो. यू नो बॉम्बे में कोई किसी को नहीं पूछता, बाहर तो सब पूछते हो अरे आपने ये किया वो किया. बट ठीक है, धीरे धीरे आप सीखते हो. एंड तो ये मेरा बहुत अच्छा रहा. फिर जब कोविड, फिर मैंने थोड़ी सी लेज़ी हुई जो मुझे रियलाइज़ हुआ. एंड आई वॉज लाइक करेगा यशराज कॉल, वो करेगा कॉल, मैं लीड करूँगी, मैं ये करूँगी. इस जोन में जब जिस दिन मैं गई, 3.5 साल मैं घर बैठी हूँ. यस, कोविड का भी 2 टाइम आ गया था. तो ये चीज़ बहुत, जब आप लेज़ी होते हो ना काइंड ऑफ कि अरे मैं तो ये करूँगी, मैं तो वो स्टार बनूँगी, वहाँ पे आपका एकदम से ड्रॉबैक आता है. बिकॉज मुझे जब स्टार्ट किया था तब मैंने 6,000 पर डे पे शूट किया था, राइट. तो अब मैं 15,000 लूँगी पर डे. मैं बढ़ा सकती हूँ लेकिन मुझे पहले एक नाम बनाना था, राइट. फिर मैं कोट करती तो शायद वो मुझे देते, पर मैं नाम बनाने से पहले ही आई वाज लाइक नहीं, मैंने कर लिया अभी 7,000 वाले 8,000 वाले, अब तो मैं 15 से कम नहीं लूँगी. उसकी वजह से मैंने काफ़ी काम छोड़ दिए. तो 3 साल घर बैठी मैं. देन आई रियलाइज कि नहीं, अभी फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा. तो जो काम मुझे आते थे सामने से, जैसे क्राइम पेट्रोल, बहुत ईजिली मिल जाते थे. तो मुझे बहुत बोलते थे क्राइम पेट्रोल कर लो मैम. आई लाइक नहीं नहीं मैं क्राइम पेट्रोल नहीं करती. अब एक बार ऐसा हुआ दिन आया कि आई 3 साल घर बैठ गई हूँ, तो मुझे लगा कि शायद मैं अपने जोन से बाहर ना निकल जाऊँ. तो मैंने क्राइम पेट्रोल वालों को कॉल किया कि मैं इंटरेस्टेड हूँ इसमें. तो उन्होंने कहा ठीक है, उनका मैसेज आता है रिजेक्टेड. आई एम लाइक भाई क्राइम पेट्रोल वालों ने रिजेक्ट कर दिया मुझे. सो बहुत रहा, बहुत मुश्किल था. फिर मुझे मुकेश छाबड़ा, सबको जानती होंगे मुकेश छाबड़ा को, तो वहाँ से एक कॉल आया था. मैंने एक्चुअली सामने से मैसेज किया था उनको कि कोई ऑडिशन है या नहीं उनके कास्टिंग के बंदों को. तो मुझे तनाव आया सोनी लिफ्ट पे, इफ़ यू नो तनाव एक है सोनी लिफ्ट पे. तो उसके लिए मुझे एक, मैं शॉर्टलिस्ट हो गई. आई वाज सो हैप्पी. वो आर्मी ऑफिसर का कैरेक्टर था. तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, अभी फाइनली कुछ तो मिला वेब सीरीज़. देन क्या हुआ, मेरी टाइम उस टाइम इतना ख़राब चल रहा था, वो 1 साल डिले हो गया, वो शूट ही डील हो गया. आई एम लाइक कि चलो गया शो. बट फिर 1 साल के बाद उनका कॉल आया कि एक्चुअली वो डिले हो गया था बिकॉज उनका कुछ इश्यू होगा. सो हम फिर से शूट कर रहे हैं वो एंड वाला पार्ट, लेकिन अभी कैरेक्टर को चेंज कर दिया है. मतलब जो पहले था हमारा, मेरा आर्मी कैरेक्टर, वो अब डॉक्टर का है. आई एम लाइक मैं डॉक्टर में क्या ही होते हैं, आपके रिपोर्ट्स आ गई, आपके ये आ गए हैं, आपको ये मेडिसिन लेना है, यही होते हैं आपके डायलॉग्स. तो मेरी जो कास्टिंग वाली थी उसने बोला नहीं नहीं अच्छा है, नेहा कर लो देखते हैं. फिर मैं गई. इनके डायरेक्टर वो थे सुधीर मिश्रा, अगर आप लोग जानते हो. हाँ, तो मैंने सुधीर मिश्रा सर के नाम पे गई कि अच्छा सुधीर मिश्रा सर है, चलो अप्लॉज भी कर रहा है तो आपको रहता है कि हाँ उनके साथ एक काम कर लो तो आपको आगे में भी काम मिले. मुझे पता नहीं वो अच्छा पार्ट है बुरा पार्ट था. तो जब मैं गई तो डॉक्टर और नर्स एक तो सेम लगते, पता नहीं चलता आजकल, ठीक है. और जो लीड थी वो
एकता कौल थी, अगर आप लोग जानते हो कि टीवी की बड़ी एक्टर है वो, तो क्या हुआ, जो एडी था उनका असिस्टेंट डायरेक्टर एकदम से मुझे बोलता है, ठीक है एकता मैम आप इधर आना, नर्स उधर जाना। आई वॉज लाइक, मुझे बहुत गुस्सा आया, ठीक है मैंने एक बार सुना, मैंने इग्नोर किया। फिर दूसरी बार आई, फिर उसने बोला कि नर्स आपको यहाँ से आना है, यहाँ से वो बोलना है। आई एम लाइक, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट प्लेइंग एनी नर्स कैरेक्टर, ठीक है आप अपनी शीट देखो और उसमें क्या लिखा है, डॉक्टर। देन ही अंडरस्टूड कि अच्छा, मतलब मैंने कुछ गलत, वो लोग भी आपको ऐसे ट्रीट करते, बिकॉज मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि वन डे टू डे आर्टिस्ट को यहाँ इंडस्ट्री में हमारे बहुत बुरी तरह ट्रीट करते, चाहे आप कितना भी अच्छा पार्ट प्ले कर रहे हो, कितना भी इंपॉर्टेंट हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो वन डे टू डे वाला फील देते हैं। ये है हमारी इंडस्ट्री में, जिसमें कोई डिनाई कोई नहीं कर सकता इसको। तो आई फील बैड, ठीक है मैंने वो पार्ट किया। फिर मैंने अपनी कास्टिंग वाली को बोला कि यार क्या तुमने दिया, मतलब लोगों को पता ही नहीं है कि मैं नर्स हूँ या डॉक्टर हूँ। शी इज़ लाइक कि नहीं नहीं देखो, नर्स का वाइट पूरा कपड़ा है, तुम्हारा सूट है। लाइक ब्रो कोई नहीं देखता इतना, कौन देखेगा, आप ऑडियंस देखोगे कि अच्छा नहीं नहीं ये नर्स नहीं है, इसका वाइट के नीचे इसने सूट पहना है, कोई नहीं देखता, राइट। तो उस बंदी ने फिर मुझे याद रखा, और जब स्कूप का आया, हंसल मेहता सर की स्कूप ऑन नेटफ्लिक्स अगर आप लोगों ने देखा हो, तो जब स्कूप का आया तो उसने मुझे ऑडिशन के लिए कॉल किया। एंड मुझे सच बताऊँ, मुझे कुछ नहीं पता था मैं क्या प्ले कर रही हूँ, बस मुझे प्ले करने में मज़ा आया वो कैरेक्टर, एंड मुझे ये नहीं पता था कि मैं कोई प्राइमरी कैरेक्टर कर रही हूँ। फिर जब मुझे कॉल आया, बजट बजट की बात हो गई, फिर जब स्क्रिप्ट के लिए कॉल आया तो उन्होंने बोला वेलकम टू ऑन बोर्ड। सो मुझे ये साउंड हुआ, ऑन बोर्ड तो जो लीड होते हैं या पैरेलल लीड होते हैं उनको बोलते हैं। आई एम लाइक क्या, वेलकम टू द ऑन बोर्ड। आई एम लाइक ऑन बोर्ड, आई वॉज लाइक, मैं इतनी खुश, मैं अपने घर वालों को कॉल करके बता रही हूँ, उन्होंने मुझे ऑन बोर्ड बोला है, वेलकम टू द ऑन बोर्ड, मैं इतनी खुश। एंड फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई काइंड ऑफ, और फिर मैंने शूट किया। मतलब मैं बहुत फॉर्चुनेट थी कि मुझे इतने सालों बाद ये इतना बड़ा काम मिला, पर मुझे सच में नहीं पता था कि मैं क्या पार्ट प्ले करने वाली हूँ। और जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी कि देखा कि अच्छा मेरा काफ़ी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है उसमें, देन वहाँ से धीरे धीरे फिर घर से ऑडिशंस देने स्टार्ट किए, अपने अंदर की कमियाँ देखना शुरू की कि क्या है। ठीक है, हम दो चीज़ नोटिस करना, अब आप जब मिरर में देखते हो अपने आप को, आप बहुत अच्छे लगते हो, ठीक है, लेकिन जब आप उस कैमरे के उसमें लेंस में देखते हो, आप बहुत डिफरेंट लगते हो, ये हमेशा नोटिस करना। तो मैंने ऑडिशन, मैंने सोचा यार मैं तो अच्छी लग रही हूँ, तो मैं जब बाहर ऑडिशन जाती थी प्रोडक्शन हाउसेस में, तो मैं ऐसे ही जाती थी, क्योंकि मिरर को देखा मैं अच्छी लग रही हूँ, चली गई। बट जब मैंने ऑडिशंस बनाने स्टार्ट किए घर से, और मैं हमेशा फ्रंट कैमरा से बनाती हूँ, तो आप अपने आप को देख सकते हो, राइट, कि आपका कौन सा एंगल सही है, कौन सा एंगल गलत है, राइट। जैसे किसी के मार्क होते हैं, जैसे मेरे यहाँ एक मार्क है, ठीक है, तो जैसे ही वो धूप लाइट आती है वो हाईलाइट होता है, ठीक है, तो मैं ऐसा एंगल बना के रखती हूँ कि ये ज़्यादा दिखे ना, राइट। आपका मेकअप ज़्यादा हो या जो भी चीज़ें हैं, वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आप देख सकते हो, और आप अपने अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट ला सकते हो, जो मैंने बहुत लोगों को बोला है, उन्होंने अपने अंदर ये चीज़ें देखी हैं। सो बस यहीं से जर्नी स्टार्ट हुई, फिर एड्स मिलते गए, एड्स करती गई, और फिर मैंने अभी रिसेंटली एक फ़िल्म की है जोया अख्तर की, वो भी नेक्स्ट ईयर मोस्टली आएगी। सो बस, और अभी भी स्ट्रगल चल ही रहा है, वो एंड नहीं है, इस स्ट्रगल का कोई एंड नहीं होता है, बस आपको फोकस रहना होता है। कभी भी पैसे के पीछे, देखो पैसा इंपॉर्टेंट है, बट पैसों की वजह से बहुत लोग काम छोड़ते हैं, बहुत लोग छोड़ते हैं। एंड ट्रस्ट मी, मेरी एक फ्रेंड है, उसने काफ़ी मतलब लीड किया है, पैरेलल लीड भी किया है टीवी में, बट वो आज भी कम से कम 10-15 काम छोड़ दिए उसने जस्ट पैसों के लिए। और फिर वो मुझे फ़ोन करती है, बोलती है मेरे पास काम नहीं है। आई एम लाइक, तुम छोड़ रहे हो काम, वो तुमको 15,000 दे रहा है, पर तुम बोल रहे हो मुझे 18,000 चाहिए, क्या 2,000 से तुम्हारी लाइफ में इतना ड्रास्टिक चेंज आने वाला है? नहीं, राइट। तो वो छोटी छोटी जो गलतियाँ हैं ना, वो हम करते हैं और फिर बाद में हमें लगता है शिट हमने क्या कर दिया, पर उसमें आपका प्रोडक्शन हाउसेस में भी आपका नाम ख़राब होता है काइंड ऑफ, कि अरे यार ये तो बस पैसे के पीछे भागती है, या सिर्फ इसको पैसा ही है, कैरेक्टर नहीं देखते हो आप लोग। सो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है।
तो मेरी जर्नी बहुत स्मूथ रही है. स्टार्टिंग में बहुत स्टूपिड लोगों से मिली हूँ, बिकॉज और मिलना भी चाहिए, तभी आपको समझ आता है कि कहाँ सही है. अभी मुझे पता है कि अरे इसको मैं शक्ल देख के बता दूंगी ये विल्ला है, इसको कुछ काम नहीं है, इसको देख के बता हाँ ये काम का बंदा है. बिकॉज यहाँ बहुत फेंकू लोग मिलते हैं, बहुत फेंकते हैं, और सबकी अपनी स्ट्रगल स्टोरी है, सबकी अपनी ओपिनियन है. सबकी बातें मत सुनो, जो तुम्हें लगता है वो करो.